हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडीक्राफ्ट ट्यूटोरियल्स। आज मैं आप लोगों के साथ ये सुंदर सा स्टड्स का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, जो सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है और देखने के लिए बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। मैंने ये छोटा सा फ्यूजिंग पेपर ले लिया है जिस पर हम ये मोतियाँ चिपकाएंगे। ये 6 नंबर के मोतियाँ हैं, ये हमें 12 लगेंगे। और 2 नंबर के वाइट पर्ल्स हैं जो हमें 2 लगेंगे। और 2-2 ईयर पिंस लगेंगे, देखिए इस तरह का पिन। और इसे बंद करने के लिए ये तो हमें ये 2-2 लगेंगे। और हमें चाहिए ये स्टोन चेन, देखिए इस तरह से। और फैब्रिक ग्लू, सीजर्स और एक छोटा सा वायर ले लिया है मैंने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं देखिए, पहले मैंने वायर में 6 मोतियां ले ली हैं इस तरह से। अब इसको हम क्रॉस कर लेंगे। फिर वायर को हम काट लेंगे। अभी फ्यूजन पेपर पर हमें ग्लू चिपकाना है, ग्लू लगा देना है। फिर हमें मोतियां चिपकाना है इस तरह से। फिर हम मोतियों के बीच में भी ग्लू लगाएंगे, देखिए इस तरह से। मैंने यहाँ पे स्टोन चेन को, देखिए स्टोन चेन को 4-4 स्टोन से मैंने काट लिया है। 4-4 स्टोन लेके काट लिए हैं, देखिए इस तरह से 4 हैं ये। मैंने इस तरह के 6 काट लिए हैं। अब हमें इस तरह से लगाना है ये। ठीक दोनों मोतियों के बीच में जहाँ हमने ग्लू लगाए हैं, ठीक उसके ऊपर हम ये लगाएंगे इस तरह से। सारे मोतियों पर लगा दिया है हमने। अभी बीच में थोड़ा सा ग्लू लगाना है, ठीक बीच में। और फिर ये जो हमने 2 नंबर की मोती ली थी वाइट कलर की, उसे हमें बीच में चिपका देना है, ग्लू के ऊपर लगा देना है। और इसे थोड़ी देर के बाद, ये बिल्कुल सूखने के बाद, हम ये फ्यूजिंग पेपर बिल्कुल इसके हिसाब से काट लेंगे। हमारा बिल्कुल सूख गया है अभी ग्लू। अब हम काट लेंगे, एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर को हम काट रहे हैं।
अब हम इसके उल्टा करके हम बीच में थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे। और फिर इस पिन को यहाँ पर बीच में चिपका देंगे इस तरह से। तो हमारे स्टड्स हो गए हैं तैयार। देखिए आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।